The next question is, only 90% of 1400 students of a school were present on a day. एक दिन केवल 90% बच्चे 1400 के प्रेजेंट थे. हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट दैट डे. उस दिन कितने बच्चे एब्सेंट थे ये पूछा जा रहा है. ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं. 90% स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, PRESENT. 90% स्टूडेंट वर प्रेजेंट ऑफ व्हाट, 1400. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप टू वे से सॉल्व कर सकते हो. पहला, डायरेक्टली आप आंसर निकाल लो, जो एब्सेंट पूछ रहा है उन्हीं बच्चों का नंबर निकालो डायरेक्टली, या पहले 90% जो प्रेजेंट है उनका निकालो, उसके बाद टोटल मैसेज को सब्ट्रैक्ट कर दो. तो पहले मैं निकालूंगा क्या जो हमें पूछ रहा है. तो 90% स्टूडेंट पर प्रेजेंट ना, 90% अगर बच्चे प्रेजेंट थे तो एब्सेंट कितने थे. जो ये 1400 है ये बराबर होगा हमेशा क्या, 100% के. जो टोटल नंबर होता है ना, दैट ऑलवेज इक्वल टू 100%. तो 1400 टोटल स्ट्रेंथ है स्कूल का, तो वो 100% के बराबर होगा. अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो 90% बच्चे क्या है, प्रेजेंट है. तो 100% टोटल स्ट्रेंथ है, परसेंटेज में बात कर रहे हैं हम. तो 100% टोटल स्ट्रेंथ है, 90% क्या है, प्रेजेंट है. तो अगर 100 में से 90 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा, 10%. इसका मतलब जो 10% बच्चे हैं वो क्या है, एब्सेंट है. तो 10% स्टूडेंट्स आर व्हाट, एब्सेंट. तो जस्ट फाइंड आउट 10% ऑफ 1400. तो 1400 का हम 10% कैसे पता करते हैं, यू ऑल नो इट. 1400 मल्टीप्लाई 10% मीन्स 10/100. ठीक है, आपको पता है 1400 न्यूमरेटर है तो इसके आप 1 लिख दो. अब जीरो कट कर दो आप, 10 से 10 कट हो गया, सेकेंड जीरो कट हो गया. क्या बचा यहाँ पे, 140 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट. सी स्पेलिंग अगर नहीं समझ में आएगा तो अब मैं बोल रहा हूँ उसको समझ लेना कि 140 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट थे, वर. ठीक है, 140 बच्चे क्या थे, एब्सेंट थे. आप अगर दूसरे वे से सॉल्व करना चाहते हो तो दूसरा तरीका क्या है, तो 90% स्टूडेंट्स वर व्हाट, प्रेजेंट. ये प्रेजेंट थे, प्रेजेंट. मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ ऐसे ही, प्रेजेंट. ठीक है, प्रेजेंट थे. अभी 90% ऑफ व्हाट, 1400. 90% ऑफ व्हाट, 1400 ऑफ 1400. तो 1400 का 90% आप निकाल लो पहले कि ये कितना होता है, जो बच्चे प्रेजेंट है. तो एक जीरो से एक जीरो कट कर दो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट कर दो. ठीक है, तो 14 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना बच जाएगा, 9 फोर जा 36 का 6, 3 कैरी, और 9 वन जा 9, 9 3 12, 160. और एक जीरो ये बचा हुआ यहाँ पे, तो एक जीरो यहाँ पे लगा दोगे तो 1260 स्टूडेंट क्या थे, प्रेजेंट थे. ठीक है, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपको पता है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज अबाउट 1400. तो 1400 में से हम जो प्रेजेंट हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तभी तो हमें पता चलेगा ऑप्शन कितने हैं. तो 1200 हम 60 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, तो इसको जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, एंड यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 माइनस 6 व्हाट, 4. और ये एक कैरी दे दिया तो यहाँ पे 3 बचा, 3 माइनस 2 व्हाट, 1. अब ये 1 से 1 क्या होगा, कट जाएगा, जीरो होगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा. तो 140, तो इसका मतलब 140 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट. देखो इस तरह से भी आपका आंसर आ गया, वर एब्सेंट. एब्सेंट ए बी में लिख दे रहा हूँ, आप एब्सेंट पूरा लिखना है, ए बी एस सी एन टी ना. तो या तो आप पहले प्रेजेंट कितना है टोटल उसका निकाल लो, या तो अब इसके पीछे जैसे मैंने सॉल्व किया था डायरेक्ट स्टूडेंट कितने एब्सेंट थे उसका निकाल लो. मतलब जो परसेंटेज है 90% प्रेजेंट है ना, तो 100 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 10% बच्चे एब्सेंट है, परसेंटेज में पता चल गया एक बार हमको, तो हम 1400 का 10% निकाल देंगे. ठीक है, 1400 यहाँ पे लिखा, इसका 10% यहाँ पे निकाला, 10% निकालने के बाद 140 वी गॉट दी आंसर, एंड दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वर एब्सेंट ऑन दैट डे. आई होप यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू.